क्या कह रहे हैं कि प्रेमरस सिद्धांत में दिखा है कि अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग के विषय में सोचना भी कुसंग है। वो इसलिए लिखा है रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य स्वमस पयसा मरण इव। भगवान के पास जाने के अनेक मार्ग हैं, जैसे पृथ्वी के नीचे सर्वत्र पानी है, जल है, लेकिन आप एक कुआं खोदते हैं और 5 फुट खोदने के बाद निराश हो जाते हैं, दूसरा कुआं खोदने लगते हैं, वहां भी 5-6 फुट खोदा फिर निराश हो गए, तीसरा कुआं खोदने लगते हैं। इस रिसर्च में आप जीवन भर कुआं खोदते रहे, पानी नहीं निकलता। तो पहली बात तो ये कि हम जिस मार्ग के अधिकारी हो उसी मार्ग में चलने का हमको अधिकार है, दूसरे मार्ग का श्रवण भी गलत है। ज्ञान मार्ग है एक, उसमें शंकराचार्य ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो पहला वेदांत सूत्र है उसके भाष्य में लिखा है कि साधन चतुष्टय संपन्न पूर्ण निर्विण जो अधिकारी हो वही सुने, करना वरना तो आगे की बात, थियरी भी कोई ना सुने खबरदार। तो इसी प्रकार जिस जिस मार्ग का जो अधिकारी हो उसी मार्ग की बात सुनना और उसी मार्ग में आगे बढ़ना, समय थोड़ा है और करना बहुत कुछ है, गड़बड़ बहुत कर चुका है मनुष्य, उसको ठीक करना और लक्ष्य पर पहुंचना, यदि वो अनेक मार्गों के ज्ञान और उनके बितंगा बाद में पड़ जाएगा तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं जाएगा। इसीलिए स्वयं पढ़कर ज्ञान प्राप्त होना त्रिकाल में असंभव, किसी वास्तविक गुरु के द्वारा हमको पहले ये देखना होगा कि हम किस मार्ग के अधिकारी हैं, ये गुरु बताएगा, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल स्थिति क्या है भीतर की कि हम स्वयं नहीं जान सकते। हम अनधिकार चेष्टा कर बैठते हैं, क्या समझते हो मैं सब अधिकारी अधिकारी हूँ, कौन कहता है मैं अधिकारी नहीं हूँ। ये जो मिथ्या अहंकार है ये हमको सही नॉलेज नहीं करा सकता। तो गुरु हमको बताएगा तुम किस मार्ग के अधिकारी हो, फिर उस मार्ग में बहुत सी बातें समझनी पड़ती है, थियरी उसकी वो समझना है, समझने के बाद फिर करना है प्रैक्टिकल। अब ये सब न करके हम भक्ति मार्ग की बात भी थोड़ा सुने, कर्म मार्ग की बात भी थोड़ा सुने, ज्ञान मार्ग की बात भी थोड़ा सुने। एक मार्ग कहता है मैं अधम हूँ, पतित हूँ, गुनहगार हूँ, अकिंचन हूँ, दास हूँ। दूसरा मार्ग कहता है मैं ब्रह्म हूँ, भगवान हूँ, मुझसे परे कुछ नहीं है और कुछ। अब दो विरोधी बात हो गई। अब सुनने वाला साधारण मनुष्य वो कहता है कि भई अपने को दीन मान करके श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाना ये जरा समझ में बैठता नहीं, क्योंकि करना बड़ा कठिन है, और अपने को भगवान मान लेना बड़ा आसान है, ये ज्ञान मार्ग बड़ा अच्छा। तो शब्द तो समझ लिया सुन लिया लेकिन प्रैक्टिकल हो नहीं सकता, क्योंकि उसका अधिकारी नहीं है। तो सारा जीवन वो केवल बतक्कड़बाजी में, पांडित्य में, शब्द संग्रह में ही रह जाता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जो जिस मार्ग का अधिकारी हो और जिस मार्ग में चल रहा हो उसी मार्ग की बात सुने, उसी का संग करे, उसी का चिंतन करे, उसी में आगे बढ़े तो कुछ पा सकता है थोड़े से जीवन में। इसलिए अन्य मार्गों का अवलंबन कुसंग है। थोड़ी सी दीनता हमारे अंदर आई भगवान के लिए, हमने कुछ आंसू बहाना शुरू किया और हमने फिर वेदांत अद्वैत सुना, जीव ही ब्रह्म है। अरे तो फिर हम किसके लिए रोवे, क्यों रोवे,
हम ही भगवान है, वो चौपट हो गया, उसका चौली साधना भी चल रही थी। अब उसमें चला कुछ दिन, अरे मैं तो वैसे के वैसे हूँ, कहा भगवान भगवान बना, ये बकबकता बिलाव जी की है, क्या वेदांत है जी, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, ये सब बड़ी बड़ी बातें तो अपने को समझ में आती नहीं, पल्ले पड़ती नहीं, क्योंकि मैं तो अपने को अनुभव करता हूँ जो कुछ हूँ, ये बड़ी बड़ी बात जो लिखी है इसको मैं अपने अंदर कोई अनुभव करता नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। फिर वो परेशान होकर योग मार्ग में जाएगा, अब योग मार्ग के लायक शरीर नहीं है, वो पैदा होते ही से जब इस प्रकार का एटमॉस्फेयर, खान पान और उस प्रकार का गार्डनिंग पूरा पूरा मिले तो थोड़ा बहुत योग में कोई चले, अब वो भी नहीं रहा शरीर उसके अनुकूल, न खान पान है न वातावरण है, अब उसमें भी चले कुछ दूर, उन्हें बाबा जी मिले, उन्होंने कहा प्राणायाम किया करो, आसन किया करो, अरे आसन तो ठीक है व्यायाम है, लेकिन इसके आगे क्या करें, अंतःकरण को वश में करने के लिए, चित्तवृत्ति निरोध के लिए क्या करें, और फिर वही अटक गया बेचारा, और अगर कुछ चला भी गलत फलत गुरु के गाइडेंस में तो कितने पागल हो गए, कितने की नसें खराब हो गई, कितने मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए, ये भी हो रहा है योग से, गलत गाइडेंस में सब होता है। तो कलयुग में जैसा शरीर है, जैसा वातावरण है, जैसा अंतःकरण है, उसके अनुकूल जो मार्ग जिसके लिए उपयुक्त हो, अगर कोई ऐसा बिरला जीव निकले कि नहीं जी हमारा तमाम जन्मों का अभ्यास है, ज्ञान मार्ग का हम अधिकारी हैं, गुरु कहता है ठीक है तुम अपने मार्ग में चलो, तुम इधर मत झांको, तुम कर्म की ओर मत देखो, लेकिन अनधिकार चेष्टा करने से तो लॉस हो गई, वो तो भगवान का विषय है, स्पिरिचुअल है। संसार में भी हम जिस मार्ग में विशेषज्ञ होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अब कुछ दिन डॉक्टरी सीखा, कुछ दिन इंजीनियरिंग सीखा, कुछ दिन अपना और कुछ सीखा, अगर 25 सब्जेक्ट को लेके हम संसारी नॉलेज करना चाहते हैं तो भी किसी में हम आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए वो कुसंग है। कुसंग का मतलब ये कि उससे हमारी हानि हो जाएगी। दासो हम इस सिद्धांत को लेके हम चल रहे हैं, वहां सुनेंगे सो हम, सब विपरीत हो जाएगा। है दोनों सही, लेकिन कैसे सही है ये समझने के लिए अधिकारी बनना होगा। बिना अधिकारी बने वो केवल मुंह से बोल देगा सोहम, लेकिन हृदय में नहीं बैठ सकता। शंकराचार्य ने अपनी मां तक को श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया, तुम अधिकारी नहीं हो, उधर मत जाओ। अरे संसार में देख लो कि हम किसी की नकल नहीं करते, अपने से उच्च कक्षा की नकल नहीं कर सकते। अगर एक विद्यार्थी प्रोफेसर की नकल करे तो क्या बात है, वो भी पैंट पहने हुए हैं, हम भी पहने हैं, वो भी शर्ट पहने हैं, हम भी पहने हैं, वो कुर्सी पर बैठ के पढ़ाते हैं, हम भी कुर्सी पर बैठ जाएंगे, बैठ तो जाओगे, लेकिन जब पढ़ाने का विषय आएगा तो तुम्हारी नॉलेज नहीं है। तुमको प्रोफेसर बनने की जितनी योग्यता आवश्यक है उसी प्रकार तुम भी एमए करो, पीएचडी करो, और फिर उतनी नॉलेज जितनी प्रोफेसर ने इकट्ठी की है तुम भी कर लो, फिर कुर्सी पर बैठो, तब नकल हो सकती है। एक नट 100 फुट की रस्सी के ऊंचाई पर चल रहा है, अब एक पहलवान बैठा बैठा देखता है, क्यों हम क्यों नहीं कर सकते, इससे कोई कमजोर है क्या, ये तो एक झापड़ का है जो चल रहा है रस्सी के ऊपर। अरे वो ठीक है एक झापड़ का है, लेकिन उसने कितने दिन अभ्यास किया है, तुमको भी उतने दिन अभ्यास करना पड़ेगा, असंभव नहीं है। तो कोई भी संसारी वर्ग हो चाहे आध्यात्मिक हो, 4 दिन ये किया, 4 दिन वो किया, 4 दिन वो किया, तो नागपुर से गोंदिया भले ही 4 घंटे का कार का रास्ता हो, लेकिन अगर 25 मील इधर आवे, 25 मील और साइड में जाए, फिर 25 मील और साइड में जाए, तो गोंदिया कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए जिस मार्ग का जो अधिकारी हो करेक्ट, इसकी जांच स्पिरिचुअल मैन करेगा, वो बतावे तुमको ऐसा करना है, बस वही सुनो, वही सोचो, वही करो, और जल्दी करो, उधार न करो।
और मनुष्य की नॉलेज इस कलयुग में इतनी कमजोर है कि कल की कही हुई बात आज भूल जाती है। आप लोग स्पीच सुनते होंगे यहाँ और ये समझते होंगे हम समझ गए, लेकिन अगर एक महीने बाद कोई पूछे क्या बताया था प्रिया शरण ने, सब भगवान की बातें बताई थी। अरे क्या भगवान की बातें बताओ ना, तो भूल गए। इतनी कमजोर मेमोरी हो गई है लोगों की 25 वर्ष की आयु में। इसी इंडिया में लोग सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, अब 25 साल की उम्र में एक भाषा का ज्ञान भी नहीं होता। वो एमए हो गए, लेकिन एमए का मतलब क्या होता है, वो मास्टर थोड़े ही है, अरे विद्यार्थी होने के योग्य भी नहीं है। आ गया 33-35% पास हो गए, एमए हो गए, नॉलेज का अंक। तो ऐसी गिरी हुई अवस्था है इस समय की, उसके अनुसार जिसके लिए जो उपयुक्त मार्ग हो उसी मार्ग के विषय में समझना और चलना कठिन है। समय कम है, गृहस्थ में समय नहीं मिलता लोगों को, फिर अनेक प्रकार की बातें सुने पढ़े तो क्या गति होगी उसकी, नास्तिक हो जाएगा, कुछ कंफ्यूज हो जाएगा, ये सही है कि ये सही है, हम तो तंग आ गए। लो क्या मिला, क्यों अनधिकार चेष्टा की, क्यों पढ़ा तमाम बुक, किसने कहा है तुमको, हर बुक में लिखा हुआ है। गीता को देखो, दंते ना तपस्का है ना भक्ता है कदाचन, गीता कोई मत पढ़ना। क्यों, इसलिए कि ये गीता ग्रंथ इस कोटि का है कि जो तपस्वी न हो, जिसको गुरु का सही गुरु का गाइडेंस प्राप्त न हो, जो जिज्ञासु न हो, जो श्री कृष्ण को रोम रोम से भगवान न एडमिट करता हो, ये चार शर्तें हैं, तब गीता को पढ़ो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा और अर्जुन बन जाओगे। यानी गीता का 18 अध्याय तो है ही है, छोटे बच्चे याद कर लेते हैं, तुम भी याद कर लो, या शंकराचार्य निम्बार्काचार्य माध्वाचार्य का भाष्य रख लो, इससे क्या होगा। वो ज्ञान प्रैक्टिकल जो आना चाहिए, वो वैराग्य, वो भगवत शरणागति, वो कैसे आएगी, समझ में ही नहीं आएगा ग्रंथ। इसलिए तद्विद्ध प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाया, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसके लिए वास्तविक प्रैक्टिकल मैन की शरण में जाओ, उनसे समझो गीता क्या है, वेद क्या है। अरे रामायण आप लोग पढ़ते हैं घरों में, वहां भी शर्त है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, जिनका मानस अगम अति, अगम है मानस, ये जो मिथ्या अहंकार है जीव में अपनी कॉमन सेंस का। अरे क्या है तुम्हारी कॉमन सेंस, तुमने सारी लाइफ में क्या नॉलेज प्राप्त की, सब 420 इकट्ठा की, मटेरियल थोड़ी बहुत नॉलेज किसी सब्जेक्ट में कर ली, इससे क्या संबंध है भगवान के सब्जेक्ट से, उसमें तो जीरो। यहाँ की कॉमन सेंस वहां कैसे काम करेगी, जब इंडिया गवर्नमेंट के कानून रशिया में लागू नहीं होते, तो मटेरियल जगत के सारे आइडिया सारे एक्सपीरियंस ईश्वरीय जगत में कैसे लागू होंगे, कैसे सोचोगे, किस लॉजिक से सोचोगे, यहाँ का लॉजिक वहां काम ही नहीं करेगा। तो यही कहोगे अंत में, अजी सब बेकार है, भगवान भगवान कुछ नहीं, बस यहीं आके खड़े हो जाओ, यही टॉपिक है। इसलिए अपने मार्ग में ही चलना, अपने मार्ग की ही बात सुनना, उसी में प्रोग्रेस उन्नति करना, जो थोड़ा बहुत कर सके जीवन भर में वो भी बहुत कम कर पाएगा, एक जन्म में करना बड़ा कठिन है, लेकिन जितना कर लेगा अगले जन्म में फिर मिलेगा, उसके बाद फिर मिलेगा, यूं करके मेकअप कर लेगा, एक दिन करना ही है उसको, उसके बिना काम तो चलेगा नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि के अहंकार से कुछ नहीं होता। अगर बुद्धि से वो गम में हो जाए तब फिर वो प्रकाशक न रह जाए, बुद्धि प्रकाशिका हो जाए, बुद्धि तो मटेरियल है, वो तो उसको तो हम बनाते हैं, जब पैदा हुए तब क्या बुद्धि थी हमारी, उसको गढ़ गढ़ के बना बना के शब्दों से लोगों से इकट्ठा कर करके गोबर गणेश हमने तैयार किया बुद्धि को
उस बुद्धि का क्या भरोसा करते हो? संसार में रोज परिवर्तनशील बुद्धि है, अपनी माँ बाप बेटा स्त्री पति के प्रति कभी हमारी अच्छी बुद्धि होती है, कभी नॉर्मल बुद्धि होती है, कभी खराब बुद्धि होती है। अपने ही घर में अपने प्रति ही नहीं हमको कंट्रोल है, और संसार की कौन कहे।